मेरे वाले साहब जो हैं वो मुझे कहते हैं जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाता वो वकील बन जाता है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग जो कि इस प्रोफेशन को अडोप्ट करें वो आउट ऑफ फैशन नहीं करें वकीलों का नाम पाकिस्तान की आवा सुनती है सबसे पहले डर जाती है सो डिजिटर्नी इज़ एसेंशली एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर लॉयर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी जाता है uh, वो अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक सेलेक्ट करे और उसको उसके मुताबिक ढेर सारे वकील एरिया वाइज वाइज सर्विस नज़र आ जाते हैं मेरे फिफ्टी परसेंट ज्यादा कई बार हमें कहते हैं यार इसको वकील साहब थोड़ा सा आप प्रोलॉन्ग करें कोशिश करनी चाहिए जैसा मोहसिन ने कहा चीज़ें अदालतों से बाहर रिजॉल्व हो सकती हैं आपके दुनिया में जो बाकी मालिक हैं वहाँ पर कमर्शियल डिस्प्यूट्स बाहर ही रिजॉल्व होते हैं कि देखें आपके कोर्टों में इतनी ज्यादा आ रही हैं केसेस जजेस उनको नहीं कर पाते क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक जज के पास सौ केस अगर दिन में लगे वो बेचारा किस तरह उसको करेगा Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of how does it work a podcast by pro-pakistani ajamasadovikilhe khalik and motishum they are partners at uh, what was the law firm called yeah Bar legal consultancy marshall's legal consultancy and the founders of digiturni uh, thank you guys yeah all, thank you for being on the podcast thank you for having us yeah um, so tell me a little bit about digiturni uh, what does that do and tell me a little bit about your law firm just so that our audience has context yeah, so um, Khalid and I, uh, we've been practicing in Pakistan since the last five years now. Me, um, I am a solicitor, and Khalid is a barrister. He's going to introduce himself. Uh, we've been working very closely with the Pakistani business community or the startup industry as a whole. um more incubation centers of Pakistan, including national incubation uh, centers, and all you know, we've been working with them. More lucky and humble, that We have a lot of startup deals. इन्वेस्टर्स uh, के साथ काम किया वी के साथ काम किया कुछ मल्टा नेशनल के साथ काम किया थोड़ा बहुत यूके uh, का एक्सपोजर भी लेकर आ गए थे uh, उन प्रैक्टिसेस को uh, यहाँ पे हम दोनों इफ इफ नॉट थिंग एस हमको इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहते थे अपने छोटे से एक सर्कल में hmm. uh, जहाँ तक डिजिटर्नी का क्वेश्चन है सो डिजिटर्नी इज़ असेंशली एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉलोइज हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे तो खली को मैंने सोचा कि आ, पाकिस्तान की लीगल जो इंडस्ट्री है उसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हैं हम जब आ, वकीलों का नाम पाकिस्तान की आवाम सुनती है तो सबसे पहले डर जाती है हमने ऐसी चीज़ डेफिनेटली यूके में नहीं सुनी थी आ, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की जगह आइडेंटिफाई करे जा रहे थे एज़ प्रॉब्लम मेकर्स आ, उसकी काफ़ी वजूहत थी खैर उसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो कि हमें नज़र आई वो एक्सेस टू लीगल हेल्प है दूसरी मॉनिटरी ईशूज़ भी आ जाते हैं कि कैसे अफोर्ड करेंगे हम एक अच्छे लॉयर को फिर एक लॉयर्स की प्रॉब्लम्स थी कि लॉयर्स जो हैं वो आ, उनको हम किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकें आ, ना सिर्फ फाइनेंशियली एक्सपोजर वाइज बट आ, कुछ रिसोर्स वाइज भी हम उनको कैसे हेल्प कर सकें तो उसके लिए हमने डिजिटर्नी बनाया सो लाइक डिजिटल अटर्नी जो कि हमारे पास जितने भी लॉयर्स आते हैं ऑनलाइन उनको हम वेरीफाई करते हैं सो so, uh, हमारी बार काउंसिल के साथ uh, लेजन है हम लोग देखते हैं कि वो लॉयर्स हैं या नहीं हैं वेरीफ़ाई uh, करने के बाद उनकी प्रोफाइल को लाइव कर देते हैं uh, हमारी प्लेटफॉर्म uh, पे जो भी जाता है uh, वो अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक सेलेक्ट करे और उसको उसके मुताबिक ढेर सारे वकील एरिया वाइज़ सर्विस वाइज़ नज़र आ जाते हैं उनके रिव्यूज़ उनकी कॉस्टिंग सब नज़र आ जाती है उनको वो इंटरव्यू करें उनको हायर करें तो एटलीस्ट uh, हमारी कोशिश ये है कि हर किसी के पास एक्सेस टू लीगल हेल्प हो अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से किसी भी चीज़ से यार मैं एक शो देख रहा था अभी रिसेंटली इट्स कॉल्ड द प्ले उसमें वो स्पॉटिफाई के बारे में शो है ना उसमें एक एपिसोड है उसमें वो वकील दिखाते हैं जो उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन होती है एंड शी टेक्स सम सॉर्ट ऑफ एक्विटी एन टिक्स द रिस्क विद द कंपनी ना वो एक बड़ी लॉ फॉर्म सीनियर पार्टनर बन रही होती है छोड़कर उनके पास आ जाती है इंटरेस्टिंग एपिसोड यू गै शूड वॉच यूट लेकिन उसमें मेरा सवाल ये किस एवर डन दैट एंड डू लॉर्स डू दैट हीयर के आप लोग भी तो गैमल लो ना अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट बिलियन डॉलर स्टार्टअप है किसी के पास 100%. तो आप भी लो ना आप अपनी टाइम टाइम ही है टाइम uh, डालो uh, और साथ इन इन एक्सचेंज एक्विटी लो डजैट हैपन ही इन पाकिस्तान हंड्रेड परसेंट पाकिस्तान में ऐसा होता है स्टार्टअप इंडस्ट्री में मोर सो दैन इन अदर सर्विस सेक्टर्स मेरी और वली की जहाँ तक प्रैक्टिस कंसेंट है हमारा एक बिलीव ज़रूर है uh, देखिए हमने तो काम स्टार्टअप इंडस्ट्री के साथ तब शुरू किया था जब पाकिस्तान में स्टार्टअप का सीन ही कोई नहीं था कोई इससे रिलेट कर ही नहीं सकता था uh, हमने तो खुद गैम्बल लिया इस इंडस्ट्री के साथ हम तो किसी और सेक्टर में भी प्रैक्टिस कर सकते थे गैम्बल uh, लेने की वजह क्या थी प्राइमरी वजह ये थी कि हम लोग ख़ुद पाकिस्तान की इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते थे ठीक है उसमें हम लोग अपनी जो हमारा एक्सपीरियंस है हमारी जो स्किल सेट है उससे हम कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और हमारा हमेशा से ये आ, व, एक स्लोगन रहा है कि वी वांट टू ग्रो विद द स्टार्टअप्स ठीक है उसका एक्विटी से अगर आप नथी करेंगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने दूसरे प्रिंसिपल्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करें ये मेरा और खरीक का जतीी है ख्याल है इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है देखें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉडल उस तरह बड़ा प्रैक्टिकल है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ के एक ही स्टार्टअप के साथ लिंक हो जाते हैं ये ना सिर्फ इसमें था बल्कि करीम का जो लॉयर था उसने भी इस तरह अपने आप को फुली करके ही टॉक फोर फाइव परसेंट और एट द टाइम ऑफ लाइक सेल आउट उसको ठीक ठाक पैसे मिल गए द प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट इफ़ यू आप बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं दे विल बी अ पॉइंट जहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा hmm. कि अगर आप एक क्लाइंट की कंपनी के साथ कर रहे हैं और दूसरी भी कंपनी को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं आप देखें एज अ लॉयर वी नीड टू मेक डिसीजन जो कि देखें आप बिजनेस ओनर है आपको चाहिए एक लॉयर से ऐसी सजेशन चाहिए कि बताए यार वॉट इज़ लीगल नॉट वॉट इज़ प्रॉफिटेबल मैं अगर एक्विटी रखूँगा तो मैं तो आपको उसमें हेल्प करूँगा ना कि यार प्रॉफिटेबल ज़्यादा क्या चीज़ है लीगैलिटी वहाँ पर ग्रे हो जाएगी तो आपको जब भी कोई कंसल्टेंट भी चाहिए तो वो आपको इस राय में तो नहीं दे सकता ना कि यार प्रॉफिटबिलिटी की वाइज वो तो आपके लिए और लोग हैं तो लीगल वाले बंदे के लिए आई फील लाइक के थोड़ी सी ग्रे लाइंस हो जाती हैं इट वर्क्स आउट बट उस सिनेरियो में जब आप पूरा अपना करियर शिफ्ट कर रहे हैं मेक सेंस नहीं एक्चुअली दैट्स दैट्स अ वेरी गुड आंसर अब आ जाते हैं लीगल सिस्टम पे एन एल कम टू बिलेबल आवर्स वो भी मेरा एक सवाल है आप हाँ. लोगों से लेकिन पहले लीगल सिस्टम में आ जाते हैं मोस्ट पीपल पाकिस्तान हेट लॉयर्स एक कोई वजह है आई डोंट नो ठीक है इज़ इट बिकॉज इज़ इट क्योंकि सिस्टम नहीं चलता इज़ इट बिकॉज जो लॉयर्स हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो कॉन्सेप्ट है कि ठग लगाते हैं लॉयर्स हमें इधर ये क्यों हैं आपको लगता है और वॉट आर यू डूइंग टू चेंज दैट फॉर योर सेल्स एंड जनरली फॉर द इकोमी एक थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स दे दूँ इशू क्या है कि बिफोर नाइनटीन फोटी सेवन बिफोर पार्टीशन हम जो लीगल सिस्टम किसी भी मुल्क का होता है इट हैज़ टू रिप्रजेंट द वैल्यूज़ ऑफ दोज़ पीपल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इशू यही है पाकिस्तान और इंडिया में भी हमने अडाप्ट किया है इंग्लिश लीगल सिस्टम को हमारे यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं हमारे कस्टम्स डिफरेंट हैं आपका आपके भी कोर्ट लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ी है ठीक हो गया आप अंग्रेज़ी में आदिल अवाम को तो आपकी अंग्रेज़ी पढ़ना लिखने नहीं आती हाउ वुड यू जस्टिफाई समथिंग कि कोई भी चीज़ चल रही है आपकी कोर्ट्स में जो कि समझ ही नहीं आ रही वी टुक द इजियर आउट बोथ दीज कंट्रीज उन्होंने कहा आसान काम करते हैं यार अंग्रेज़ जो कानून इतने अच्छे बना के गया उसको फॉलो कर लेते हैं बट दैट ओवर टाइम हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ कॉम्प्लीकेशन अब हुआ गया विद टाइम कि आपके लीगल सिस्टम से अवाम का इतना एक गल्फ है कि उनको ना समझ आ रही है कि वकील क्या करें ना उनको समझ आ रही है कि सिस्टम है क्या आप उनको इतने जार्ग, कम्प्लेक्स झारखंड में दी है फिर हम कस्टमरी तौर पर भी हमारे यहाँ जैसा बाहर मुल्कों में एक जूरी का निज़ाम है हमारा भी जो कस्टम है वो जूरी के निज़ाम पर चलता है कि गाँव देहात में आपके कभी कोई डिस्प्यूट आ जाए चिरगा पंचायत का निज़ाम है आपने कहा नहीं वो तो चल ही नहीं सकता क्योंकि हमने कहा हमारे लोग इसके क्या मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है अगर वो बाहर बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं लेट पीपल मेक देर ओन डिसीजन इस तरह आप उनको लोगों को पावर भी दे रहे हैं और आपने उसको ईजी भी कर दिया क्योंकि देर नॉट लाइक जूरी में तो कोई वो नहीं बैठता जज जज सिर्फ उनको बताता है यार इस इस तरीके से इसको देख लो इशू जो है ना बेसिक वो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में इस एरिया में आपने लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया जो आपके कस्टम्स और वैल्यू से बहुत दूर है और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाता हूँ एक हमारे क्लाइंट थे वो इंग्लैंड से आए तो आप कभी कोर्ट रूम गए होंगे तो वहाँ पे जो कोर्ट रूम की आवाज मार रहा होता है केस कॉल कर रहा होता है हीजन शेरवानी एंड कहद आज क्या वो अच्छा, और, हाँ मैं आप? वैसे अच्छा तो वो जो अंदर जज बैठा है देर इन दे रोब्स जैसा अंग्रेज के रोब्स थे ही पुट फॉरवर्ड ए क्वेश्चन टू व्यू उन्होंने कहा यार एक मुझे बात है यार ये किस तरह चल रहा है आप मतलब कि हम पाकिस्तान हैं हमारा कल्चर है कायदाजम की जो कैप है और जो शेरवानी है वो उसने पहनी हुई है जो आवाज़ मारे और अंदर जो बैठा है वही है तो आपने बदला किया दैट मेड मी थिंक इशू जो हमारा लीगल सिस्टम का है वो वहाँ पे है कि हमने उसी को कंटिन्यू किया वी टुक दैट राउट जो कि अवाम को समझ ही नहीं आती को उसका उनको इसका अंदाज़ा ही नहीं कि क्या चीज़ है ये कोर्ट रूम्स में क्या चल रहा है यू क्रिएटेड द सिस्टम बिल्कुल नहीं है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि हम अभी भी सोर्ट ऑफ अंग्रेज़ों के गुलाम हैं हाँ। लेकिन इसमें अगर मैं एक पैसमिस्ट या हाँ। पैसमिस्ट भी चलो एक टिपिकल पाकिस्तानी ओपिनियन आपको दूँ तो यार जूरी तो ख़रीदना मुश्किल है जज खरीदना आसान है <laughs> तो ये क्या सिस्टम असल में होता है क्या लोग जज खरीद रहे होते हैं इस दिस एक्चुअली पाकिस्तान में ना वैल्यू लॉयर्स अभी हम मॉफियर भी बात करते हैं ऐसी दी जाती है कि यार वो बंदा फलां हाई कोर्ट <laughs> जज को जानता है उसे मैं दस लाख रुपये पकड़ाऊंगा तो वो कन्फर्म जो है ना मुझे <laughs> जिताएगा ये क्या सच होता है क्या सच नहीं होता है दिस आई मीन वी डोंट नो राइट हमें तो बस यही बताया जाता है बाहर से अच्छा मैं उसमें मेरा उसमें बड़ा क्लियर वो है के बिकॉज आई एम इन आर फर्म मैं लिटिगेशन ज़्यादा करता हूँ मोचम कॉर्पोरेट देखते हैं तो मेरा डेली चक्कर लगता है कचहरी में आई डील विद क्लाइंट्स आई डील विद जजेस बड़ा ये कम होता है इशू क्या है यहाँ पे जिस तरह वकील अपने आप को बेचते हैं जिस तरह वकील अपनी फीस लेना चाहते हैं ना वो ये इम्प्लाई करते हैं उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है वो एम्प्लाई कर देंगे यार मेरा उस दलक है तो फिर इस तरह की बात है अब क्लाइंट क्योंकि परसेप्शन ऐसा है वो प्रज्यूम कर लेगा क्योंकि आपको जुडिशरी के बारे में इस फ्रटर्निटी के बारे में एक परसेप्शन ऐसा है कि यार ये तो काम करवा देगा क्योंकि इसका एक तो ताल्लुक है लेट मी टेल यू विद लॉट ऑफ लाइक ना उसमें कि कॉन्फिडेंस के यार नाइन्टी परसेंट दिस इज़ ऑल लाइक वो आपको ना बुलशिट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होती जा रही है विद ओवर टाइम हो क्या रहा है पिछले 10-15 साल में आपके हाई कोर्ट के जजेस भी जो अपॉइंट हो रहे हैं दे आर नॉट फ्रॉम पहले आपके हाई कोर्ट के जजेस पोलटिकली अपॉइंट होते थे पोलिटिकल गवर्नमेंट करती थी अब आपके हाई कोर्ट के जजेस पोलिटिकली अपॉइंट नहीं होते जजेस ही करते सो दे सीट और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे सी टू इट के आर कि इसकी प्रैक्टिस कैसी है बंदे की इसकी रिप्यूट कैसी है एंड देखें फिर जजेस अपने इंस्टीट्यूशन की रेपोटेशन को बेहतर करने के लिए नाची दे ट्राई टू अपॉइंट दोज जजेस के जो कि थोड़ा उसको कर सकें पहले वक्तों में यह था कि अगर गवर्नमेंट है किसी पी एम एल एन की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने मर्जी के जो लॉयर्स हैं उनको जजेस अपॉइंट कर दिया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हो गया पोलिटिकली अलाइंट लॉयर्स आते थे दैट इज चेंज सिमिलरली जो आपकी लोअर कोर्ट्स हैं सिविल like <coughs> uh, जुडिशरी है और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी उसके भी एग्ज़ाम्स पहले आप समझें कि जैसा नॉर्मल एग्जाम होता था अब उसको सी एस एस लेवल पे ले आए पास पास रेशो इज लाइक फाइव परसेंट पंजाब में जो एग्जाम टू एंड जस्टिस नजर अच्छा मैं वैसे आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग है इन 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 रिगार्ड्स टू दैट पाकिस्तान में हाउ यू हायर अ लॉयर इज़ बेस्ड ऑन उसको अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोलने आती है कुछ शशका वशका थोड़ा सा है तो हम उसको रख लेते हैं कि पता ही होगा उसे क्या लॉयर्स भी इस तरह लोगों को देख के एज्यूम करते हैं कि ये कॉस्ट नई इंटरेस्टिंग आपकी लास्ट थ्री क्वेश्चन आई थिंक दे रिव अराउंडो इकनॉमिक क्लास में जिसमें लॉयर्स भी हैं और जिसमें आपकी जनता भी है आवाम भी है ठीक मैं मुझे इस चीज़ में मैं ख़ुद भी उस फटर्निटी से बिलोंग करता हूँ मगर हमें देखना चाहिए कि हमारे क्या हमारे अभी रिसेंटली मैं हम लोग खलीकों को मैं 2016 के एंड तक आए पाकिस्तान उस टाइम पर बैठ के ये लिटिगेशन चल रही थी कि ये जो लीगल सिस्टम है ये बच्चे जो ग्रेजुएट करें उन्हें तीन साल की डिग्री लेनी है पाँच साल की डिग्री लेनी है 2017 में फैसला आया 1947 से पाकिस्तान आज़ाद है लीगल सिस्टम आपका देखें अभी तक यही समझ नहीं है ग्रेजुएट कितने सालों में होना चाहिए इसे आपको एक फंडामेंटल एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है एजुकेशन सिस्टम में ठीक है कि ये समझ नहीं आ रही कि कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि लॉयर्स में कोई प्रॉब्लम है फिर वो उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं क्या एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम बट मोर सो देन एनी थिंग एल्स अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग जो कि इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं वो आउट ऑफ पैशन नहीं कर रहे जिस तरह हम कहते हैं कि हमने इंजीनियर बनना है हमने डॉक्टर बनना है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर बिकमिंग लॉयर्स वो बन रहे हैं एंड दिस इज़ दिस इज गिव मैं अपने ऊपर नहीं रखता मैं अपने वाले साहब को एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरे वाले साहब जो हैं वो मुझे कहते हैं जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाता वो वकील बन जाता है ठीक है इससे एक आपको मेन्टेलिटी नज़र आना शुरू हो जाती है ठीक है hmm. अब उससे हुआ ये कि ना ही वकील ऊपर आ सका उस ट्राटा में इकनॉमिक स्टाटा में क्योंकि उसकी शुरू से ही वो इंक्लिनेशन ही नहीं थी और जो अवाम है उसकी वैसी इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं ना वो पैसे दे सकती ना लॉयर्स के पास इतना कुछ बेचने के लिए कि वो ज़्यादा पैसे कमा सके ठीक है तो फिर वो हर जगह से पैसे लेने की कोशिश करेगा या करेंगी ठीक है एक लॉयर जो कि इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं कर रहा या इकोनॉमिकली अच्छा कर भी रहा है तो एक जनरल परसेप्शन बनाएगा एक क्लाइंट के बारे में मैं अगर शयान के पास आता हूँ मैंने शयान के ड्रेसअप उसके बिज़नेस के ऊपर थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा बात करके पता चल जाता है इंसान के इस बैकग्राउंड से मैं सोचूंगा यार मैं इससे कितने पैसे ले सकता हूँ राइट ये दुनिया में कहीं नहीं होता बाय द वे हाँ कुछ स्पेसिफ़िक केसेस में हो सकता है मैं कॉर्पोरेट की बैकग्राउंड दे देता हूँ कि अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है मुझे एट द वेरी आउटसाइट हमारी फ़र्म के रेट्स हमें पता है कि इस एग्रीमेंट के कितने लेने हैं उसके कितने लेने हैं इट डजन मैटर शयान आ रहा है या कोई अहमद आ रहा है या कोई मुस्तफ़ा आ रहा है Standard. या लाइबा आ रही है रियली रियली इट मैटर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको होता है कि ये एक महीने के बाद एक क्लाइंट आए इससे मैं कितने ले सकता हूँ उसने भी तो घर चलाना है ठीक hmm. है अब उसके पास इतना कुछ बेचने के लिए भी नहीं है अपना पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है अपनी स्किल सेट का तो पूरी प्रैक्टिस खराब होगी सब कुछ ही बैठ गया ना ही आपको रिलीफ मिला और ना ही लॉयर अपने प्रोफेशन को जस्टिस दे सका तो ये प्रॉब्लम है बेसिक जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए एंड इस प्रॉब्लम को एड्रेस <coughs> करने का सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल बिलेबल आवर्स हैं तो बिलेबल आवर्स भी मतलब मुझे तो वेक कॉन्सेप्ट लगता है हम भी एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं बिलेबल आवर्स इज इज़ हार्ड टू मतलब एज अ क्लाइंट इट्स हार्ड टू नो रेट्स uh, जिस तरह हमने कहीं प्री डिटर्मेंड होती हैं लेकिन फिर उनके भी बेचारे कम लोग आ रहे होते हैं और फाइनली असल मसला ये है कि पीपल ट्रीट अ लॉयर यहाँ पे इस मुल्क में लाइक अ डॉक्टर लाइक अ डेंटिस्ट जो हम ऑफ भी बात कर रहे थे कि यार जब मसला आएगा ना वर्स के सनैरियो अगर आप स्केलिंग हर छः महीने के रहें तो आपके दांत साफ रहेंगे तो आपको कैविटी नहीं होगी हम वो नहीं करेंगे हम जब तक दांत में दर्द नहीं होगी तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जब तक बिज़नेस में बहुत कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए या कोई बहुत मसला ना हो जाए हम लॉयर को फ़ोन ही नहीं उठाएंगे अगर हम उनको डे वन से लेके चलते तो शायद हमें वो मसले ना आते जो इतने महंगे पड़ते वो चिकनी नैक प्रॉब्लम है लेकिन हल क्या है सोल्यूशन क्या है देखिए आई थिंक आई थिंक एक बहुत, बहुत बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है हमारे पाकिस्तान में कि हम लोग अपना माइंड सेट टूवर्ड्स लीगल असिस्टेंस रादर दैन हेल्प को थोड़ा सा चेंज करें माई जॉब एज अ कारपोरेट लॉयर is not when the dispute starts at all. My job is to get deals done, to get an agreement signed, to get mergers done, acquisitions done, to get arbitrations done. Ye arbitration chalo dispute, lekin ye sare wo kaam hai jo ki dispute se pehle hai. Theek hai? Mera kaam ye hai. और मुझे जिसने engage किया है उसकी भी इतनी understanding है कि मैंने इसको क्यों hire करना है क्योंकि कल को मेरी problem नहीं होगी That's why you engage any लॉयर बीर एन अकाउंट और बाय द वे आपने देखना यह एट द वेरी आउटसाइड कि आपके क्या लीगल राइट्स हैं और किन चीज़ों की वजह से आप लॉ लॉ है क्या लॉ आपका वे ऑफ लाइफ है दैट्स इट राइट बिल्कुल आप यहाँ पर आएँ गाड़ी पर आएँ गाड़ी आपने ली थी गाड़ी आप रोड पर लेके गए हैं रोड पर कैसे गाड़ी चलानी है आपने आप आए हम यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं ऑबियसली यहाँ पर एक पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क चल रहा है ठीक है उस लीगल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम लोग सिर्फ डिस्प्यूट के बाद जाएंगे तो पीछे जो कुछ हो सकता था वो तो हमने किया ही नहीं राइट तो हमने फिर क्या सेव किया कुछ भी सेव नहीं किया ना हमने लॉयर्स को फुल्ली यूटिलाइज़ किया ना हमने अपने पैसे को सही यूटिलाइज़ किया ना ही अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ किया ये जो पूरा आइडिया है कि जब हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी तब तो फिर हम वकील के पास जाएंगे यही तो प्रॉब्लम है Hmm. फिर हम लोग क्यों ब्लेम करते हैं कि इतने केसेस हैं लेकिन आ, है। आ, आप, आप मुझे ये बताए ना कि अब तो <coughs> मसला है मसला वही डेंटिस्ट वाला है वही डॉक्टर वाला है वही लॉयर वाला है हम अवेयर हैं कि ये मसला है लेकिन वोट डू थिंक आई मीन हाउ डू आई हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज एक आप मुझे ये बात समझा दें शायद मैं समझ लूँ मैं तो एक बंदा हूँ ना दो मिलियन बाकीयों का क्या करना है जैसा मोसम ने माइंड सेट की बात की मोसम इन दैट आपका जो ओवरऑल सिस्टम है ना एक्सेस टू जस्टिस उसमें वकीलों का भी एक बड़ा रोल इसमें है कि किस तरह वकील अपने आप को पोर्ट्रे इस तरह करेंगे कि ये मैं समझता हूँ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन जैसे प्रोफेशन पे आप पे होती है कि आपने अपना एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करना है कि यार ये वो लोग हैं जो मसला हल करने में मददगार साबित होंगे ना कि ये मसले से मसला निकालेंगे अभी जो परसेप्शन है वो ये है कि आप चले गए कि चली आपके तो दस साल लग जाएंगे इट इज़ इनकम्पन्ड अपॉन्ट लॉयर्स देखिए बहुत सारी चीज़ें हम मैं समझता तो हूँ जो पाकिस्तानियों पर एज ए जनरल अप्लाई करती हैं हमने जो भी मुल्क के हालात हम अक्सर बात करते हैं वी एव ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इट सिमिलरली हमारे यहाँ जजेस का वकीलों का जो लिटिगेंट्स हैं कई बार हमारे पास बाय द वे लिटिगेंट्स आते हैं वो कहते हैं यार लंबा करना है बाय मी टाइम परसेप्शन बदलना है डिस्पोजल कोई वो नहीं है एम ना क्लाइंट का है ना वकील का क्योंकि जितना अरसा चीज़ लंबी चलती जाएगी उतना उनको फ़ायदा होता जाएगा क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा क्लाइंट को अगर उसको स्टे मिल गया है या दूसरा बंदा उसने पर्चा कराया और वो जेल में वो क्यों चाहेगा उसकी बेल और वो क्यों मुकदमा डिसाइड जल्दी हो ही वुड वॉन्ट इट एंडट इज अ परसैप्शन पर लॉन्गिंग एट जितना ज़्यादा देखिए हमारे यहाँ सवेर एक तो बात है ना जो है रिफॉर्म्स वाली कि रिफॉर्म्स तो आपको चाहिए बट रिफॉर्म्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं हमारे कंट्रोल में यही है कि हम क्या बात कर सकते हैं जो लोगों को समझ आ जाए अगर जो आपके पास एक क्लाइंट आता है उसको भी अगर ये बात समझ थोड़ी सी आ जाए अगर मैं ये चीज़ एक वक्त के अंदर करवा सकता हूँ तो अपने लॉयर को पुष्ट करूँगी यार जल्दी हो जाए एंड रिजल्ट मेरा जल्दी आ जाएगा ये नहीं है कि मैं इसको अगर प्रोलॉन्ग करूँ और मेरे फिफ्टी परसेंट ज्यादा केसेस कई बार हमें कहते हैं यार इसको वकील साहब थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें सिमिलरली वकील का भी क्या होता है वी टेक मोर वर्क देन वी कैन डू एक इंसान के लिए क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है एक इंसान एक हद तक ही काम कर सकता है या आप डेजनेट करेंगे या आप खुद करेंगे हम उतना काम लें एज लॉयर्स भी जितना हम एक्चुअली जस्टिफाई भी कर सकते हैं फिर ना मेरे ना आपके कंट्रोल में एक चीज़ है वो अदालतें अदालतें किसी के कंट्रोल में नहीं कि उनका प्रोसेस किस तरह चलना है कोशिश करनी चाहिए जैसा मौसम ने कहा चीज़ें अदालतों से बाहर रिजॉल्व हो सकती हैं आपके दुनिया में जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर कमर्शल डिस्प्यूट्स बाहर ही रिजॉल्व होते हैं बड़े कम ऐसे कमर्शल डिस्प्यूट्स हैं जो कि आपके अदालतों में जाते हैं आप एक मीडिएशन क्लॉज डालें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में चाहे वो एक एम्प्लॉई है आपस में बिजनेसिस में आप कह करें एक मीडिएशन और एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डालें उसका फ़ायदा क्या है ये ऐसे डिस्प्यूट मैकेजम है जिसको आप पाकिस्तान में भी इंक्रेज किया जा रहा है देखिए नीड ऑफ दी आर है कि देखें आपके कोर्टों में इतनी ज्यादा आ रही हैं केसेस जजेस उनको नहीं कर पाते क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक जज के पास सौ केस अगर दिन में लगा है, वो बेचारा किस तरह उसको करेगा लेकिन आर्बिट्रेशन भी जज नहीं सॉल्व करता नहीं नहीं आर्बिट्रेशन वो है आर्बिट्रेशन मीडिएशन ऐसी है ये आउट ऑफ कोर्ट्स है उसका है मीडिएशन का थोड़ा डिफरेंट है मीडिएशन में ही होती है कि बहुत पार्टीज वो आपस में बैठ के करें और मीडिएटर सिर्फ उनको अवेयर करेगा लीगली क्या चीज़ें आर्बिट्रेशन में हमारा एक और बड़ा इशू है आर्बिट्रेशन क्लॉजेस में हम लिख देते हैं कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट का वकील हो बिल्कुल दैट ये नेसेसरी नहीं है देखें बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में आप किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं कोई इंजीनियर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और आपके जो लॉ में चार महीने का टाइम दिया हुआ है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं विद इन फोर मंथ्स आपने डिसाइड करना है और वो चीज़ आके कोर्ट में रूल ऑफ कोर्ट बन जाती है तो ऐसे होता तो नहीं है जिस तरह मेरा केस है जो आर्बिट्रेशन में गया हुआ है दो महीने में रिजॉल्व होना था एक साल हो गया एक साल क्योंकि डेट्स ली जाती हैं एक के बजाय दो तीन इशूज और रेज किए जाते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज पर भी लड़ा जाता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है कि नहीं लॉ में एक ऐसी लॉ इन इज ग्रे फील्ड जिधर आप कोई बात अगर निकालना चाहें तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं तो मैंने इसीलिए कहा कि इसमें जो आपके एक आम क्लाइंट है बिजनेस कम्युनिटी उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार देखें चीज़ों को जितना आप लिंगर ऑन करेंगे एंड ऑफ द डे आपका पूरा सिस्टम उसी एक, एक जगह नॉट है उसी में फंसा हुआ है बिल्कुल अच्छा अब आप मुझे बताएं व्हाट इज डिजिटर्निंग एंड वाईज पाकिस्तानी जनरल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान दीज आर ऑल द कोशनस जो कि खलीक को मैं आपस में डिस्कस करते थे ठीक है और हम कहते थे कि क्या हमारे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है टू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री नॉट जस्ट इलीगल इंडस्ट्री लेकिन पूरे सिस्टम को मतलब सिर्फ लीगल फ्रटर्निटी की बात नहीं कर रहा मैं लोगों की आम पब्लिक की भी बात कर रहा हूँ खलीक ने जिस तरह कहा ना जो चीज़ हमारे हाथ में वो तो करें देखें पहली प्रॉब्लम क्या है कि आज अगर शायन को किसी लॉयर की ज़रूरत है शायान इज़ गोइंग टू कॉल अपने किसी लॉयर दोस्त को किसी लॉयर दोस्त को नहीं जानते होंगे तो किसी दोस्त को कॉल करेंगे कहेंगे किसी वकील को जानते हो अपने फैमिली में पूछेंगे ठीक है और कहेंगे लेसूम नैप का मैटर है ठीक है मैं वैसे ही कह देता हूँ कु, कु, एक मैटर चल रहा है ठीक है शायान के दोस्त जो हैं वो एक लॉयर को जानते थे उन्होंने उसको शायान ने उनको कॉल की और वो जो लॉयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वी टेंड टू एज लॉयर्स यू नो हम कहते हैं हम हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं ऐसा तो नहीं है तो वो कहते है, या तो मैं वो कहेगा जी मैं ना आपके बड़ा यू नो आई एम लाइक एक्सपर्ट इट या ऐसा होगा कि वो भी किसी और को आगे रेफर कर देगा तो अब शयान हैज़ प्लेस हिज जजमेंट ऑन हिज फ्रेंड द फ्रेंड हैज़ प्लेसड हिज जजमेंट ऑन अ लॉयर और फिर लॉयर की जजमेंट ऑन ना द लॉयर एक अजीब किस्म की साइकिल क्या प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेस टू लॉयर्स है ही नहीं ठीक है कचहरी को जाएगा नहीं वकीलों को ढूँढे ना ही सारे लॉयर्स कचहरी में बैठे हुए काफ़ी बैठे हुए हैं काफ़ी नहीं बैठे हुए कुछ था ही नहीं कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ठीक है और अगर लॉयर्स की डायरेक्टरी मिल भी जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये कोई अच्छे लॉयर्स हैं और या वो लॉयर है भी या नहीं है यू नो ये ये भी बड़ी जीप सी एक चीज़ है काला सूट पहन के हर कोई खोलना ही, में ही ना... आप लोग वेट करते हैं <coughs> हाँ जी तो हाँ, मतलब हमने फिर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो बनाई जिसमें हम लॉयर्स को ऑन बोर्ड लें लेकिन सब हमें सच्ची बात है आठ महीने लग गए ये चीज़ फिगर आउट करते करते और उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते करते कि हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे टैग बनाना तो मुश्किल काम था ही नहीं आ, और हम हम वैसे भी लॉयर्स हैं टैक को ज़्यादा नहीं समझते नहीं। लेकिन टैग बनाना हमें इतना समझ आ गई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था हमने सारी बार काउंसिल जो हैं वो रेगुलेटर्स ऑफ लॉयर्स हैं हमने तमाम बार काउंसिल्स के साथ लीजन किया और हमने कहा एक सिस्टम लेकर आते हैं जहाँ पर वो लोग लॉयर्स जो हैं वो अपने प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जो है वो अपलोड है, करते हैं वो हम लोग वेरीफ़ाई करते हैं और फिर उनकी प्रोफाइल लाइव होती है इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं ना जिनके पास लाइसेंस नहीं है जो ग्रेजुएट कर गए हैं लॉ में वो ड्राफ्टिंग तो कर सकते हैं या वो किसी और लॉयर का एसोसिएट बन सकते हैं उनको भी हम देखते हैं उनकी डिग्रीज़ को वेरीफ़ाई कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉल करना इट्स अ सिंपल प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है आ, उनकी प्रोफाइल लाइव करते हैं लेकिन वो वाले जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट्स हैं वो फिर कोर्ट के केसेस ने लिटिगेशन को सेलेक्ट ही नहीं कर सकते अपनी सर्विसेज में फिर हमने सर्विसेज को लिमिट कर दिया कि वो सेवन सर्विसेज के अलावा और किसी क्योंकि लीगल सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं सात सर्विसेज के अलावा वो किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर सकता तो उसने अब खुद ही इसे अपनी एक बताना है कि वो किस चीज़ में अच्छा है ये हमने उनको फ़ोर्स किया उस प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर हमने पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स को लेकर आगे और फिर उसको एक्सेस दे दी तमाम पब्लिक के लिए पब्लिक जब उनको इंगेज कर लेती है किसी भी लॉयर को उसका भी एक प्रोसेस आसान बनाना था हमने कहा ठीक है आपको अगर एक शहर के अंदर फर्श करें सियालकोट में आपको कोई चाहिए आपको वहाँ पे अपनी फील्ड के अंदर सौ वकील मिल गया फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी खली को मैंने कहा आप क्या करें मैं। नहीं तो सौ हमारे दो हफ्ते के लॉन्च में सात सौ वकील आ गए उनको दो हफ्ते और चले गए चौदह सौ हो जाएंगे नहीं। अगर एक्सपोनशली गया तो हम भी बिल्कुल ही कैसे इसको? तो हमने कहा यह लेथ साहब है सिस्टम पाकिस्तान में जो आपने बिलेबल आवर्स का कहा हमने कहा ये तो कोई सिस्टम ही नहीं था यहाँ पर कि हम लोग लॉयर्स को थोड़ा सा हमने अपलिफ्ट भी करना है और उनके टाइम को भी वैल्यू देनी है तो हमने कहा कि ये इसमें से तमाम लोगों के रिव्यूज़ को देख के उनके कॉस्ट को देख के लॉयर्स पहले से अपनी कॉस्ट बता देते हैं उसमें एक पूरा सिस्टम है जिधर आपको यू कैन सी क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाना है इस इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है इतने पैसे लिटिगेशन ये वाली करनी है तो इतने पैसे एवरेज ले रहे हैं कितना ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है तो आपने जी सौ में से फ़र्ज करें पाँच को शॉट कर लिया ठीक है आपने उन पाँच से ना इंटरव्यू लॉक कर लिया हमारा प्लेटफॉर्म इनेबल करेगा ठीक है लेकिन इंटरव्यू होता है जूम इंटरव्यू होता है जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म के लोग भी आ जाते हैं अगर क्लाइंट चाहे कि आप भी आ जाएँ बल बिल्कम टू दैट तो उसमें उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए उसने इंगेज किए उसके हमने एक मिनिमम फी रख दिया हमने कहा कि भाई ये इसके ना लेट्स ले, उसके मैटर मिनिमम जो हमने रख दिया ना वो हमने रख दिया कि ये हम टू थाउजेंड रुपीज़ लेंगे लॉयर को देंगे हमारे पैसे नहीं हैं जिसके लिए वो आधे घंटे एक घंटे की जूम का फोर्टी मिनट का टाइम पीरियड ना आई थिंक इज मोर देन सफिशेंट जज करने के लिए तो हमने कहा ये पांच को इंटरव्यू किया वो उसकी ऑब्वियसली क्लाइंट की भी सीरियसनेस पता चल गई क्योंकि एक रुपया देते वक्त भी वो कहेगा यार मैं देना चाहिए नहीं देना चाहिए लॉयर की भी सीरियसनेस लेकर आनी उसको भी पैसे तो मिल रहे हैं ना जितने भी मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं उसको तो वो उसको इंटरव्यू करके उसने एक लॉयर को इंगेज कर लिया हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दफ़ा उसने इंगेज कर लिया तो क्लाइंट की एक और प्रॉब्लम भी है कि शयान तो लीगल एक्सपर्ट नहीं है ठीक है तो उसने अब एक लॉयर को इंगेज कर लिया तो कैसे पता चलेगा कि वो लॉयर सही राउट ले रहा है कि उसको वैल्यू फॉर मनी भी मिल रही है या नहीं मिल रही है बिल्कुल ही मैटर ख़राब कर देगा ये लॉयर राइट अच्छा उसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि हम लोग क्योंकि खुद प्रैक्टिस कर रहे थे और हमें हमारे पास एक्सेस टू लीगल रिसोर्सेज थी एंड वी न्यू हाउ टू इंक्रीज दैट रिसोर्स और कहाँ से लेनी है हमने कहा हमें डेडिकेटेड रिसोर्स बनाते हैं जो कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो हमारी टीम ऑफ कॉम्पेंट लॉयर्स नॉट जस्ट एनी हम लोग उनको ट्रेन करते हैं वी हैव अ लॉ फर्म जहाँ लॉयर्स ट्रेन हो रहे हैं और फिर वो इधर आ रहे हैं उनकी ऑलरेडी इतनी बेस बन गई है कि वो लोग चीज़ों को असेस कर सकते हैं कि एक लॉयर जो एडवाइस दे रहा है वो ठीक भी दे रहा है या नहीं दे रहा है hmm. तो शायन को ऑटोमेटिकली एक वैल्यू फॉर मनी मिल गई उनके वी हैव टू टेक द स्ट्रेस आउट ऑफ योर हैड यू नो कि जो मैं काम के लिए इंगेज किया सही भी होगा या नहीं होगा और आप लोग ऐसे वैसे बनाते हो वी आर लाइक कनेक्टेड बिटवीन क्या कहते हैं लॉयर्स एंड द क्लाइंट जो दुनिया भर के मॉडल्स चल रहे हैं ना uh, जो फ्री लांसिंग के जिसको आप अपवर्क समझ लें फाइवर समझ लें ऑल दोज नेम्स वो लोग अपनी एक ट्रांजेक्शन फ़ी ले लेते हैं लेट्स सुन के उन्होंने ट्वेंटी परसेंट ले लिया ठीक है हम लोग जो लॉयर की फ़ी है उसमें से हम लोग फिफ्टीन परसेंट अपना फ़ी लेते हैं क्योंकि हम उनको हम हम उनको ना सिर्फ काम ला कर दे रहे हैं बल्कि हम अपने रिसोर्सेज भी उन लॉयर्स को देना देते हैं जिनको काम उनको जरूरत होती है उनको सूट फाइल करना है मुंशी चाहिए वी विल डू दैट फॉर यू आपने कोई चीज़ रिव्यू वेट करवानी है कम टू अस वी विल डू इट फॉर यू दैट्स आवर रेवेन्यू मॉडल और ये ये इस, आप अगर देखें तो दैट्स मोर देन सफिशेंट फॉर अस इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आटूँ ड्यूरिंग कोविड ये देखें हर किसी को एक बात रियलाइज़ हुई कि हम पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कम से कम रखना है अब और फिर लोगों को आदत भी ख़त्म होगी अब आप तो कचहरी जाने से रहे आप कभी नहीं गए जैसा आपने कहा बहुत सारे लोग हैं ना वो गए ना जाना चाहते हैं और वो घर बैठे देखें दो की कॉस्ट को जस्टिफाई किस्सा किया जाता है यू वुड आप यूड हैव टू विज़िट दैट प्लेस आपको कचहरी जाना पड़ेगा अपना टाइम लगाना पड़ेगा पेट्रोल भी महंगा है बहुत सारे मसाइल हैं घर बैठे अपने लैपटॉप पे अगर आप बात कर सकते हैं उस वकील से उससे पल्स ले सकते हैं कि यार क्या मेरा जो इशू है उसमें जान है मेरा काम वो कर भी लेगा जज करने के लिए इन पर्सन भी तो आपको एक कैमरे की तरह ही वो इक्वलेंट है उससे ज़्यादा जो इसमें चीज़ है कि एक लॉयर्स के लिए भी बहुत बड़ा इस्लाम में रिसेंट टाइम्स में एक इशू बना था वकीलों के चेंबर्स का मीडिया में भी आया चैम्बर्स तोड़ दिए गए वो फुटबॉल ग्राउंड में कब्जे की ज़मीन थी हाई कोर्ट तक मैटर गया वकीलों के पास यंग वकीलों के पास पैसे नहीं इतने कि वो एक अपार्टमेंट या एक वो एक वो उसको वो करें रेंट करें ऑफिस को रेंट करें तो उन बेचारे वो किस, वो काम ही ना करें फिर उनके पास कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पर वो अपनी सर्विस भी ऑफर कर सकें आपके यंग ग्रेजुएट्स खवतान जो ग्रेजुएट्स हैं कई खुवात जहाँ यहाँ पर ग्रेजुएट कर लेती हैं लीगल फ्रेटर्निटी अनफॉर्चुनेटली ऑफ ऑल प्रोफेशनस इसमें सबसे कम रेशो है जो कि एक्चुअली प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं बहुत सारी हमारी खातिन बहनें जो लॉयर बन जाती हैं वो या तो शादी के बाद या घर की वजह से या कोई कचहरी का माहौल भी ऐसा प्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी में कि उनको इजाज़त नहीं मिलती काम करने की स्पेशली आपके छोटे सिटीज़ में उनको भी एक ऑपरचुनिटी प्रोवाइड की जाए जहाँ पर वो ऑनलाइन अपनी सर्विस प्रोवाइड करें शुरू में ये सर्विस पाकिस्तान के लिए बट जो हमने बताया था पहले इशू है कि अंग्रेज़ निज़ाम हमने अडाप्ट किया हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएँ यही सर्विसेज फ्यूचर में बाहर भी प्रोवाइड की जा सकती हैं इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग इट कि इंडिया में लॉयर्स लॉ फर्म्स बैठी हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं सर्विसेज क्योंकि लीगल मॉडल सेम है।, है ये भी दिस इज़ फॉर द फ्यूचर ऑल दो बट हमें देखें शुरू में आपको वैलिडेशन लोकली मिलेगी तब ये चीज़ प्रोग्रेस करेगी अपॉर्चुनिटी की बात है अब ये उनके पास जो मार्केट साइज है वो एक इस्लाम के शहर के बजाय जिसकी पॉपुलेशन 10-12 मिलियन होगी उससे बढ़ के टू तो पाकिस्तान की आ गई फिर फ्यूचर में उनके पास 6 या 7 बिलियन आ जाएगी मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन रिसोर्स का फ़ायदा यही है आप लोग फंडिंग रेज कर रहे हैं नो नो नाट राइट नाउ शायद मैं आपको अब हमारी जर्नी बताता हूँ हमने जब हमें ये सारी चीज़ें करते करते ना पूरा साल हो गया ठीक है हमने कोई बहुत ज़्यादा इसका ढंडोरा भी नहीं पीटा आई 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 एम अ इंजीनियर अजवाल हूट लॉ थोड़ा बहुत टेक का समझ नो uh, हाउ थी लेकिन इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं उसमें um, मैं और खलीग बैठे हमने कहा इसका सोलूशन क्या निकालें ऑबियसली टेक इज़ द सोल्यूशन फॉर दीज थिंग्स राइट एक्सेसिबिलिटी का कोई भी आंसर निकलेगा वो टेक के अंदर निकलेगा सेम गोज़ फॉर लीगल इंडस्ट्री ठीक है हमने बनाई एक एम वी पी और हमने उसको लॉन्च कर दिया वेरी बेसिक एम वी पी जो कि अगर उस खली को मैं सच्ची माने और बड़े ऑनेस्टली हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं वो हमें भी नहीं पसंद थी लेकिन इट डेड द जॉब हम लोगों ने बिलीव ये किया कि दिस इज दिस इज़ लाइक अ सोशल कॉज है देर इज़ मनी इन्वॉल्व राइट बट देर इज़ अ सोशल एस्पेक्ट इट वी ट्राई टू सॉल्व समथिंग हमने कहा वी गोइंग टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल राइट फॉर द लॉयर्स एंड फॉर दू जनरल पब्लिक है हमने एम वी पी जब मार्केट में लाइव कर दी हमने थोड़ी सी मार्केटिंग की हमने लोगों से फ़ीडबैक लिया जो खली को मेरे लिंकन पे आ रहा था जो हमारे पेजेस के सोशल मीडिया एसेट्स पे आ रहा था जो हमें लोग ई कर रहे थे जो फ़ोन कर रहे थे कि क्या है। और हमने उनसे सजेशन ली जिसमें बहुत सारे वकील थे बहुत सारे लोग थे जो कि ट्रांजेक्शन करना चाहते थे कि ये इसमें ये चीज़ क्यों नहीं है अब लॉयर्स आए उन्होंने कहा यार मैं अपनी फर्म रजिस्टर कराना चाहता हूँ हमने सोचा भी नहीं था कि यार या, और एक और एक अच्छी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है खली को हमारे पास कोई आई ट्रांजेक्शन हुई हम हम जब आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं ना तो आपको पता भी नहीं होता क्या एवेन्यूज खोलेंगे राइट right? कोई इन द फर्स्ट टेन ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन ऐसी थी कि एक लॉयर ने दूसरे लॉयर को इंगेज कर लिया क्योंकि वो हमारे टेक का ग्लिच था हमने तो ऐसी फंक्शनैलिटी अपने टेक डिवलपर्स को दी नहीं थी hmm. हमने का, कमाल काम हो रहा है देखते हैं क्या होता है तो वो लॉयर दूसरे लॉयर को एज एन एसोसिएट इस्तेमाल कर रहा था काम करने के लिए hmm. तो खीक ने कहा यार ये अच्छा ग्लिच है और एक कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्म बनाना चाहिए हमने कहा दिस इज अ ग्रेट आइडिया लेट्स मेक अ वर्चुअल फर्म अगर बारसोज हमारी फर्म है वी वुड वॉन्ट टू बी वर्चुअल इफ वी वुड टू बी वर्चुअल राइट वाई नॉट जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव एंड स्टेटिस्टिकली हमारी फर्म काफिंगजर okay. ये सारा कुछ देखिए हमारे स्टेटिस्टिकली मोस्ट ऑफ हमारी क्लाइंटेल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर बेस्ड नहीं है सिर्फ आउटसाइड पाकिस्तान भी बेस्ड है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सर ठीक है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में उन्होंने कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम रही है. हम लोग उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्यों नहीं हेल्प कर सकते राइट right? या पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं वो यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के लिए ट्रांजेक्शनल काम क्यों नहीं कर सकते hmm. क्या रुकावट है राइट right? hmm. आपने अपनी लीगल फर्टर्निटी को कैसे असिस्ट कर सकते हैं उनको आपने ऑडियंस देनी है ना क्लाइंट्स की कैद अंदर ऑडियंस काम का ट्रस्ट लेवल है ना पाकिस्तानियों का लॉयर्स हमारे ऊपर ठीक है हम क्या कर सकते हैं हमें अगर पता है कि हम एक चीज़ में अच्छे हैं हम अपने जैसे सौ लोग ट्रेन तो कर सकते हैं ना बिल्कुल और उन लोगों को कह सकते हैं यार इन लोगों को हो रहा है इनको ओवरव्यू करो इनकी चीज़ों को वेट करो ठीक है हम तो यही कर सकते हैं इससे होगा क्या कि लीगल इंडस्ट्री अपलिफ्ट हो जाएगी जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क आ रहा है वो, वो अपलिफ्ट हो जाएगा आपके कितने पैसे लग गए वही जो आपने लॉयर को इंगेज किया लॉयर जो है जिसको काम नहीं मिल रहा था उसको महीने में अगर मैं कहता हूँ क्या हमारे प्लेटफॉर्म से अगर हर वकील को महीने में एक काम भी मिल जाए दैट स्टिल वन एडिशनल वर्क उसका कुछ भी नहीं जा रहा है ना ही इज़ नॉट पेंग एनी रेंटल बिल्कुल ही इज़ नॉट एनी सर्विस फी फॉर ऑन द बीटफॉर्म ही इज जस्ट पे अ फी एक तो ये है कि आई अंडरस्टैंड यू सॉर्ट ऑफ Like the Fiverr for uh, lawyers yes. or the Upwork for lawyers, and the, at 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 some point does that lead to a conflict of interest? मतलब आप एक practicing lawyer bhi hai, You can push the lawyers that you sort of work 100%, with. Two hundred percent. इस issue एक point के you can't run both. Can you? Can you run the law firm and the attorney? Because there is a conflict of. I ऐसे सोचूँ कि यार अगर Kareem के rider भी मेरे, गाड़ियाँ भी मेरी, और Kareem भी मेरी, to मैं अपने वो वाले rider भेजूँगा ना जहाँ मेरे ज़्यादा पैसे बनेंगे. फ्राम दैरी फर्स्ट डायिस हम खुद हमारी प्रोफाइल नहीं होगी पहले तो ये बात है ना एंड ऑफ द डे बार सॉल्स की या मोचम और मेरी इस पर प्रोफाइल नहीं होगी रीजन बींग दैट इज वेर द कॉन्फ्लिक्स टेम्स फ्राम द पहली चीज़ वो दूसरा एस्पेक्ट आपका होगा दो से यारों वाली बात पहली तो चीज़ है अगर मैं और मोचम खुद इस प्लेटफॉर्म पर हूँ बींगाउंड सेल्फ वो एक गलत चीज़ होगी वो हमने कहा ना बार सोल्स होगी ना हम होंगे सेकेंडली ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो पाकिस्तान के सारे शहरों को कवर कर रहे हैं इंक्लूडिंग इस्लाबाद हमारी दोस्ती यारी इस्लामाबाद से लाहौर हो जाएगी कराची हो जाएगी देर लाइक मोर देन फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड लॉयर्स कितने को हमारे दोस्त हो जाएंगे कितनों को हम पुश करेंगे सिग्नेटर से रिव्यू बेस्ड सिस्टम जिसमें हम नहीं बताते कि आपने किसको हायर करना है जिसको किसी का प्रोफाइल अच्छा लगे वो उसको हायर कर ले इंगेज कर ले और इसमें कोई वो सिस्टम नहीं है कि और रिव्यूज़ वाइज़ ही उनका नाम ऊपर आएगा फ्यूचर में शुरू में तो देखें रिव्यूज़ नहीं है तो उनका एफरबेटिकली आएगा हाउ फार कैन वी पुश और ऑनलाइन मार्केट प्लेस का बेनिफिट एक यही होता है कि विद अ टाइम बिकॉज इट्स अ फ्री मार्केट प्लेस कि विद टाइम वो चीज़ें खुद इवॉल्व करती हैं और वो चीज़ें आपकी सेट हो जाती हैं शुरू में दैट इज़ अ वैलिड कंसर्न कि यार आप ऊपर अपने दोस्तों यारों के नाम रखते हैं उनको ज़्यादा काम मिल रहा है कल को उन्हीं का नाम ऊपर रहेगा नहीं अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोर देन वाट खलीक राइट right? ये तो वो जो हम कर सकते हैं ठीक है फिर एक वो चीज़ है जो हमने टेक के अंदर करनी है हमारी टेक जो है कोई हमारे पुश करने से किसी वकील ऊपर नहीं जा रहा मे बी वेरी क्लियर इट्स ऑल रैंडम रैंडम इन देंस शयान गोस शेन्ज हम बेस्ड इन साहेवाल शयान ने साहेवाल को क्लिक किया शेनान कहते हैं कि मैंने जो है ना एक लैंड डिस्प्यूट हुआ है

हर वकील पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहता है और हर पॉलिटिशियन वकील क्यों होता है वाई इज़ दर अ कोरिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड वकालत इस मुल्क में क्यों होती है असल में कचहरी जो आपकी है ना वो एक जो आपका कोर्ट रूम है वो एक मिनी एक शहर की तरह होती है उधर हर तरह के लोग आते हैं आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है पॉलिटिशनस की भी पब्लिक डीलिंग या आप लोगों से रख रखा कैसे सीखने क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया बने थे आपको पता है कायदे आजम मोहम्मद रिजना गांधी देवर आल्सो लॉयर्स बैरिस्टर्स तो वो एक इम्प्रेशन फिर लॉ देखें पार्लियामेंट का काम ही लेजिस्लेशन है लॉ का पता नहीं है तो आप करेंगे किस तरह तो से बहुत सारे लॉयर्स हैं हु गो टू वर्ड्स बट मेरे जहन में जो एक ही बात है क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं आपका इतना पब्लिक कॉन्टैक्ट होता है इस लॉयर्स कि आपके लिए कल को वो शिफ्ट करना बींग ए पॉलिटिशन इज़ वेरी ईजी आप पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छे हैं लॉन्ग साइड डीलिंग में भी अच्छे हैं एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स में यही रिक्वायर्ड है Hmm. इसके अलावा अगर कुछ है तो बताएँ <laughs> 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 नहीं, नहीं नहीं चले थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर ऑन द पॉडकास्ट थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट